दोस्तों, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में मैं सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि दोस्तों जानते हैं, अगर आपको स्टोरी वीडियो बनानी है दोस्तों, तो आपको काइन मास्टर को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट दोस्तों, कोई भी पर्टिकुलर ऐप से आप कोई भी स्टोरी बनाते हो तो दोस्तों उसे आप काइन मास्टर पर ही लाकर एडिट करते हो। बट दोस्तों, आपको काइन मास्टर से कैसे स्टोरी एडिट करनी है, काइन मास्टर से दोस्तों स्टोरी बनाओगे आप और दोस्तों वहाँ से ही एडिटिंग करके सीधे आपके फ़ोन गैलरी में पोस्टेड करोगे, तो दोस्तों वो आप आसानी से अपलोड भी कर सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं मोबाइल की होम स्क्रीन के और चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों पूरे स्टेप बाय स्टेप के दोस्तों आप कैसे आसान तरीके से दोस्तों स्टोरी बना सकते हैं। तो चलते दोस्तों मोबाइल की होम स्क्रीन की ओर। हम आज बात करने वाले हैं कोई भी स्टोरी कैसे बनाते हैं। एक मेरे पास स्टोरी है, उसको बनाएंगे हम काइन मास्टर से। तो काइन मास्टर में हमने ये स्टोरी ली है और ये किस तरीके से बनाते हैं, ये एक पेपर की ज़रूरत पड़ती है और काइन मास्टर जब ओपन करोगे तो हमें ये गैलरी से अपना ये पेपर उठा लेना है और पेन जूम का ये ऑप्शन होता है, इसको जूम करके और लॉक मार देना है। इसके बाद पूरा सर्किल कर देना है, जितनी बड़ी स्टोरी बनाना चाहो, ठीक है। जितनी बड़ी स्टोरी होगी आपकी, आप 2 मिनट की बनाना चाहे 3 मिनट। इसके बाद चलते हैं हम स्टोरी पर, जहाँ हमारी स्टोरी एक नोट पैड है उसमें हमने पहले से सेव कर रखी है, उस वहाँ पर हम इसको कॉपी करके यहाँ पे लाएंगे। तो हमें थोड़ी स्टोरी लानी है, पूरी कॉपी नहीं करनी है, क्योंकि बड़ा पैराग्राफ वहाँ पे नहीं हो पाता है, छोटा छोटा कर करके हमें लानी है। यहाँ पे लेयर पे ऑप्शन क्लिक करके यहाँ चलेंगे टेक्स्ट में। टेक्स्ट में क्लिक करने के बाद कंटिन्यू ब्रेस करेंगे, पेस्ट हो जाएगी। पेस्ट होने के बाद हम यहाँ पे जहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म होता है ऐसा भी नहीं है, लेकिन छोटा छोटा अपने हिसाब से बना लेना है और देखते जाइए। और मैं आपके सामने अभी बना के दिखा रहा हूँ कि जितनी भी लाइनें होंगी वो एक ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। अगर लंबी हुई तो दिक्कत हो जाएगी, जैसे मैंने आपको तैयार करके ये दिखा दिया है। तो इस तरीके से जब बना लूँगा इसको जूम करेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से कि हमें कितनी बड़ी अक्षरों को रखना है। इसके बाद इन अक्षरों का हम कलर सेट करेंगे। कलर पर जाने के बाद हम ले लेंगे ब्लैक। ब्लैक होने के बाद इसके बाद जाएंगे हम शेडो ऑन करेंगे। तो इसमें भी हम ब्लैक वाइट ले लेंगे, ठीक है। अभी ब्लैक लिया था, वाइट शेडो थोड़ा सेट करके देख लेंगे कैसा लग रहा है। इसके बाद हम चलते हैं ग्लो में। ग्लो भी ऑन करेंगे, इसमें हम ले लेते हैं ब्लैक, ठीक है। अब काफ़ी अच्छा लगने लगा, इसको जितना हम शेडो को बढ़ाएंगे उतना गहरा ब्लैक होता चला जाएगा, जो काफ़ी अच्छा लगेगा पेपर पे। तो इस तरीके से कलर सेट किया, इसके बाद हमने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट किया और ये पूरा सर्किल इतना बड़ा कर देंगे कि ये सर्किल ये देख सको सामने ख़त्म हो जाता है, ठीक है। टेक्स्ट ख़त्म हो जाएगा, तो तुम्हारा टेक्स्ट ख़त्म हो जाए यानी पूरा हो जाए। इसके बाद चलते हैं टेक्स्ट पर क्लिक करके एनिमेशन पे, ठीक है। ये कीपर क्लिक किया था, लेफ्ट साइड देख सकते हो। तो ये धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ आपको बढ़ाना है, धीरे धीरे आपको ऊपर की तरफ बढ़ाना है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ाते जाएंगे। तो ये एनिमेशन तैयार हो गया आपका, अब चला के दिखाता हूँ। देखो चलने लगी स्टोरी। तो इस तरीके से स्टोरी हम बना लेते हैं। एक और हम इस तरीके से कॉपी करके आपको दिखाएंगे कि पूरी स्टोरी इस तरीके से आप कर लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं फिर थोड़ा सा टेक्स्ट लिया, ठीक है, और यहाँ पे लेयर पे जाने के बाद मैंने जो टेक्स्ट में क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर दिया। इसके बाद हम छोटा छोटा इसको कर देंगे, यानी लाइन छोटी कर देंगे। बड़ी लाइन है, चाहे आप पहले से वहाँ कर लें चाहे यहाँ कर लें, बात बराबर है। तो यहाँ हम जैसे देख सकते हो मैं करता जा रहा हूँ, आप भी कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम जब कर लेंगे इसके बाद ओके करेंगे, तो दूसरा उस हिसाब से सेट करना है कि वो वाला ख़त्म ना हो पाए और दूसरा वाला स्टार्ट हो जाए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो नीचे लेयर टेक्स की, ये लेयर बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाली लेयर है कागज़ की और फिर लेयर है ये लगानी है आपको टेक्स की, फिर वही करना है आपको, ठीक है। शेडो में जाओ, ग्लो में जाओ, इसके बाद और ये सारा कुछ हार्ड ब्लैक कर दो, ठीक। और इसके बाद इसको खींच दो, इस हिसाब से सेट करो कि वो वाली ख़त्म हो और ये वाली स्टार्ट हो जाए। और फिर इसको जो लेयर है इसकी टेक्स की, इसको खींचते जाओ इतनी हो जाए कि ये पूरा चल जाए। अब करना क्या है, अब मुझे फिर वहीं पे जाना है,
टेक्स्ट लेयर पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड कीपर आ जाएंगे। कीपर लेफ्ट साइड क्लिक करेंगे फिर ऊपर की तरफ बढ़ाते जाएंगे। ये एनिमेशन एक तरीके चाबी सी भरती है, तो एनिमेशन ये तैयार हो जाएगा देख सकते हो। अब हाँ, पीछे जा कर के ही किया जाता है, यानी पीछे जब जाएंगे जहाँ से इंड होता है टेक्स्ट वहाँ से ये एनिमेशन आपको तैयार करना होता है। ऐसे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, करना कुछ नहीं बढ़ाते जाएंगे बस, और ये तैयार हो गया देख सकते हो। मैं चला के दिखा रहा हूँ, ये देखो चलने लगा, दूसरा टेक्स्ट तैयार हो गया। इस तरीके से हम तैयार करते हैं। तो अब ये तैयार हो चुका है दोस्त, और इसके बाद अब मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। अब स्टार्ट करिए माइक पर, ये देख सकते हो माइक आपका चालू है कि नहीं। अब मैं पढ़ता हूँ कुछ, जैसे कि आपने सिकंदर महान का नाम तो सुना ही होगा, उसने पूरी दुनिया को जीतने का लक्ष्य बनाया हुआ था। अपने देश से बहुत दूर के देशों को वह जीतता जा रहा था। ऐसे करके अगर तुम्हें लग रहा है कि स्टोरी तेज़ भाग रही है तो इसको हम लंबा कर सकते हैं, ठीक है, फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप बोल सकते हो स्टोरी में, देखो आप पढ़ते जाइए बोलते जाइए, इस तरीके से स्टोरी तैयार हो जाती है। कहीं भी स्टॉप भी कर सकते हो, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप हटा दीजिए, ये देख सकते हैं एक्स्ट्रा पार्ट हट जाता है, ठीक है। बस आप देख सकते हो कि स्टोरी में वो ऑडियो भी ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टोरी को बनाते हैं दोस्त। स्टोरी अब तैयार हो चुकी है, और मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, और ये सेविंग होने लगी है मोबाइल में। और अब मैं आपको चला करके भी दिखा दूँगा कि मोबाइल में ये कैसी दिख रही है। मैं प्ले करता हूँ, और इस तरीके से देख सकते हो मोबाइल में काफ़ी अच्छी सी आपको दिखेगी। और इस तरीके से आप वॉइस देकर के स्टोरी बना सकते हो। जहाँ से मैंने फ़ोटो ली थी उसका नाम है इमेज डाउनलोडर, उसको ऐप को इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इसके बाद वहाँ